खजराना थाना पुलिस ने अंधे कत्ल के मामले में खुलासा करते हुए मृतक की पहचान मोहसिन उर्फ जोया किन्नर के नाम से की है, जहां पर आरोपी ने बहरहमी से जोया के शरीर के दो टुकड़े किए और एक टुकड़ा बाईपास पर झाड़ियों में फेंक दिया तो वहीं दूसरा धड़ घर की पेटी में छिपा कर रखा था, जहां पर अवैध संबंधों के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। मामला खजराना थाना क्षेत्र के बाईपास का है। यहां उस समय हड़कंप मच गया जब पुलिस को आधा धड़ मिला, लेकिन मृतक के शरीर का ऊपरी हिस्सा न होने के कारण उसकी पहचान नहीं हो सकी थी। पुलिस को 3 दिन पहले हुई गुमशुदगी के बारे में जानकारी लगी, जहां वह मोहसिन उर्फ जोया किन्नर के नाम से दर्ज थी। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद मौके पर पहुंची और परिजनों ने मृतक के पैर पर बंधे हुई चुन्नी के आधार पर मृतक की पहचान की। आसपास इलाके में पुलिस आरोपी नूर मोहम्मद के घर तक पहुंची। 2 दिनों से घर से लापता था। संदेह होने पर जब नूर मोहम्मद की तलाश की गई तो उसे जूनी इंदौर इलाके से हिरासत में लिया गया, जहां सख्ती से पूछताछ करने के बाद पूरे घटना का खुलासा हुआ, जिसे सुनकर पुलिस के भी कान खड़े हो गए। पकड़े गए आरोपी नूर मोहम्मद ने बताया कि उसकी मुलाकात फेसबुक के जरिए जोया किन्नर से हुई थी, जब उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी और मायके चली गई थी। साथ ही पिता भी धार्मिक यात्रा पर गए हुए थे, तभी उसने देर रात फोन कर जोया किन्नर को अपने घर बुलाया, लेकिन किन्नर जोया नहीं मोहम्मद नूर को कभी देखा ही नहीं था। जब नूर मोहम्मद जोया से जबरदस्ती संबंध बनाने लगा तो दोनों में विवाद हुआ और उसके बाद किसी भारी चीज से जोया के सिर पर वार किया और उसके शरीर के धारदार हथियार से 2 टुकड़े कर एक टुकड़े के को बाईपास पर फेंक दिया, वहीं दूसरे हिस्से को घर की पलंग पेटी में छुपा लिया तथा बाद में पुलिस ने आरोपी को घटनास्थल से ले जाकर घर से जोया के शरीर के दूसरे हिस्से को भी बरामद किया। वहीं इस जघन्य अपराध में पुलिस ने 24 घंटे में ही खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। खजराना थाना क्षेत्र में कल दिनांक 30/8/2022 को एक संदेहास्पद बोड़ी के होने की सूचना नगर निगम की एक अधिकारी द्वारा प्राप्त हुई। उस सूचना के तस्दीक पर वहाँ पुलिस की टीम पहुँची और उसने उस बोड़ी को खोला तो उसमें पाया कि एक मानव शरीर का कमर के नीचे का भाग है और वो देखने में पुरुष व्यक्ति का शरीर प्रतीत होता है। आधा शरीर का ही भाग था और काफ़ी ये एक सेंसेशन पैदा करने वाली चीज़ थी कि व्यक्ति का आधा शरीर वहाँ मिला हुआ है। उस बात को मद्देनजर रखते हुए खजाना पुलिस की टीम वहाँ एसीपी साहब, टीआई साहब और बाकी इनकी टीम लगी और जो आसपास के कैमरे फुटेज वगैरह थे उनको खंगाला जाने लगा। चूँकि शरीर का आधा ही भाग था तो पहचान करना एक महत्वपूर्ण टास्क था पुलिस के सामने। जब पहचान हो जाती है तो व्यक्ति का पता चलता है कि उसे किससे झगड़ा फसाद हो सकता है, क्या घटना हो सकती है। तो पहचान करने के लिए जो गुम व्यक्ति थे अपने थाना क्षेत्र में और ज़िले में उनकी एक लिस्ट बनाई गई। उस लिस्ट में एक जोया उर्फ मोहसिन नाम के किन्नर का पता चला कि ये 2 दिन पहले गुमशुदगी 28 तारीख की रात को कायम हुई है। उनके परिवार वालों को भी बुलाया गया, दिखाया गया और चीज़ें उसमें उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने अंदेशा जताया कि ये इनके जो परिवार का सदस्य है जोया उर्फ मोहसिन, उसका शरीर का भाग हो सकता है और उसके शरीर पे कुछ कपड़े जो बंधे हुए थे मृत जो व्यक्ति था तो उससे भी उन्होंने कुछ पहचान की बताई बात। फिर इस चीज़ को डेवलप किया गया और पुलिस की पूरी टीम इस बात पे लग गई कि जो गुमशुदगी है संबंधित व्यक्ति को ढूंढा जाए। उससे जुड़े हुए जितने उसके दोस्त मित्र थे करीब 15 से 16 लोगों से पूछताछ की गई, अलग अलग बिठा के पूछताछ की गई, हर एंगल से की गई। साथ ही साथ उस इलाके का कैमरा इत्यादि भी खंगाला गया। मीनवाइल जो तकनीकी डिटेल है वो भी मंगाई गई और सभी साक्ष्यों का एनालिसिस करने के पश्चात इसमें एक व्यक्ति नूर मोहम्मद नाम का संदेही आ रहा था जिसका पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस उसके तलाश के लिए लगातार प्रयास कर रही थी और अंततः पुलिस को उसमें सफलता मिली और नूर मोहम्मद को पकड़ा गया। पकड़ने के पश्चात जब उससे पूछताछ किया गया तो उसने घटना बताया कि जो जोया और मोहसिन है इसको इंटरनेट के माध्यम से नंबर मिला था और कुछ दिनों से इनकी मोबाइल पर चैटिंग हुई थी, उसके पश्चात इसने मिलने के लिए बुलाया था। जो आरोपी है नूर मोहम्मद वो उस समय घर में अकेले ही रह रहा था, उसके माता पिता बाहर आज पे गए हैं, पत्नी मायके में है, तो उसने इनको मृतक को बुलाया था और
उसका कहना है कि जब उसने बुलाया था तो उसको महिला समझकर बुलाया था, लेकिन वहाँ मिलने के पश्चात तो पता चला कि वो एक किन्नर है। तो इस बात को लेकर इनका विवाद हुआ और हाथापाई भी हुई, जिसमें उसने जो ये है जोया उनकी हत्या कर दी गला दबाकर। इसके पश्चात अब उसके लिए समस्या थी, वो अकेला था तो कैसे बॉडी को डिस्पोज करे, एक दिन वहाँ छोड़े रहा। फिर उसने घर में ही पड़ा हुआ एक हथियार था जिससे उसने बॉडी को दो भाग में किया और एक भाग को उसने बोड़ी में भर के अपनी स्कूटी पर रख कर ले जाके जो जहाँ से बॉडी का पार्ट मिला था वहाँ पर उसने डिस्पोज कर दिया। उसके बाद दूसरा भाग भी डिस्पोज करने के वो फिराक में था, लेकिन पुलिस की टीम एक्टिव हो गई थी और आसपास लगातार तलाश कर रही थी तो उसको मौका मिल नहीं पाया और वो अंडरग्राउंड होने का प्रयास उसने किया था। उसके निशानदेही पे जब उसके घर में गए तलाशी लिए तो वहाँ एक पेटी में शरीर का बाकी बचा हुआ भाग भी मिला है जिसकी विधिवत जब्ती की गई है। अब इस मामले में जो आरोपी है उससे और पीआर लिया जाएगा, उससे पूछताछ की जाएगी और भी घटना से जुड़ी हुई जो चीज़ें रहेंगी इसमें विवेचना में आवश्यक उनकी जब्ती की जाएगी और भी जो साक्षीगण हैं उनके बयान लिए जाएंगे और इसमें अग्निवैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो चूंकि ये काफ़ी सनसनीखेज तरह से घटना या अंजाम दी गई है और जैसा किया है तो इसको चिन्हित अपराध में भी लेने लिया जाएगा और प्रयास रहेगा कि इसको जल्दी ट्रायल कराया जाए। अभी तक जो पूछताछ हुई है उसमें इसने किसी का साथ उस समय घर में होना नहीं बताया है, लेकिन पीआर के दौरान निश्चय ही इन सभी बिंदुओं में पूछताछ की जाएगी। घर से शरीर का भाग पेटी में बचा हुआ मिला है और बाकी जो मृतक है उनके शरीर के कपड़े इत्यादि जो बचे हुए वो मिले हैं, वो हथियार भी वहाँ लोकेट हो रहा है जिससे काटा गया। आरोपी जूनी क्षेत्र से मिला है और उसको थाने पर ले के पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद शायद जब वो घटना को स्वीकार कर रहा है तो फिर उसके पश्चात उसकी गिरफ्तारी की गई। आरोपी टाइल्स लगाने का काम करता है, उसकी 22-23 साल की लगभग उम्र है, उसके दो तीन और भाई भी हैं जो अलग रहते हैं। ये सबसे छोटा पुत्र है, अपने माँ बाप के साथ वहीं पे रह रहा था वो और शादीशुदा भी है। इसकी पत्नी अभी मायके में थी और मकान पर अकेले ही उस समय था। आपराधिक रिकॉर्ड अब तक इसका सामने नहीं आया है, लेकिन इसको तलाश किया जाएगा कोई आपराधिक रिकॉर्ड है कि नहीं। बता रहा है कि नेट पे इसको नंबर मिला था जिसके माध्यम से इसकी चैटिंग हो रही थी, उसके पश्चात इसने मिलने के लिए बुलाया था। और घर में उपयोग होने वाला धारदार चीज था वो कोई बकरा लंबा काटने वाला जो रहता है बाका टाइप का। यहाँ से नगद पुरस्कार भी दिया जा रहा है जिन जिन लोगों ने अच्छा काम किया है, क्योंकि ये घटना काफ़ी संवेदनशील प्रकृति की थी और 24 घंटे के अंदर इन्होंने दिन रात लगकर इसको ढूंढा है तो निश्चय ही टीम ने काफ़ी मेहनत से काम किया है। रात भर लोग सोए भी नहीं, लगातार रहे, पूरा टास्क सबका यही था कि इस आरोपी को पकड़ के ही चैन लेना है, तो इन्होंने अच्छा काम किया है। PI साहब हैं, रितेश हैं और भी टीम में जो भी सदस्य हैं सभी को नगद पुरस्कार दिया जाएगा। 10 टुकड़ा जो डिस्पोज किया था पुलिस को बरामद हुआ था, दूसरा टुकड़ा इसके घर से पेटी में रखा हुआ मिल गया है, वो जब्त किया गया।